को जला दूंगा। माइकल, वक्त आ गया है बीबी गेमिंग और पीटर की सिक्योरिटी का पावर देखने का। बिल्कुल क्यों नहीं शाही परिवार की छोटे वारिश। कैसे आप सब लोग, होप करता हूँ समझ होंगे। एक और GT5 की ब्रांड न्यू वीडियो में आप सब लोगों का स्वागत करता हूँ। तो गाइस, काफी दिनों बाद आप सब लोग देख रहे होंगे हमारे प्यारे विला को। तो विला देख सकते हो कितना अपग्रेडेड हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे आ चुके हैं भाई पीटर भाई साहब की सिक्योरिटी। जैसे कि आपने लास्ट एपिसोड में देखा होगा कि पीटर भाई साहब की सिक्योरिटी हम लेकर आए थे, तो उसके लिए गाइस आज फ्रैंकलिन को मैंने भेजा था अपनी फैक्ट्री की साइड से कुछ स्पेशल वेपन्स वगैरह इनको प्रोवाइड करने वाले हैं, क्योंकि गाइस इनकी आज फाइट होने वाली है किससे, बीबी गेमिंग की सिक्योरिटी से। क्या बात है, 20 सिक्योरिटी से आज भिड़ने वाली है वाली सिक्योरिटी। तो उसके लिए इनके हिसाब से मैंने सामान वगैरह मंगवा दिया, और ये सिक्योरिटी देखो क्या लगती है भाई, जबरदस्त खतरनाक बोले तो। सिक्योरिटी भी इनके देखते हो चेस्ट पे लिखा हुआ है भाई, काफी प्यारी सिक्योरिटी है, एक नंबर बोले तो। सिस्टम हैंग करने वाली, यहाँ पे देख सकते हो पीछे की साइड इनका हुडी टाइप सिस्टम है। ये सर्दियों के टाइम पे वाली सिक्योरिटी हम लेके आ रहे हैं, तो भाई सिस्टम तो होना चाहिए ना फिर थोड़ा हुडी का। तो देख सकते हो भाई इधर की साइड अपनी पूरी गन्स वगैरह आप सब लोग को दिखाऊं, तो यहाँ पे देखो भाई पूरी खतरनाक गन्स अपनी आ चुकी है इनके लिए। देख सकते हो AR वाली गन्स भी मंगाई है, एक्सटेंडेड मैग देख सकते हो साइड में रखे हुए इन गन्स के, तो भाई काफ़ी प्यारे ग्रीन लिवरी में कुछ आई है, और भाई चलो सही है, थोड़ी मस्त लग रही है, मतलब ज़्यादा ज़बरदस्त तो नहीं है पर हम एवरेज गन्स बोल सकते हैं। पर जो ये वाली गन्स है ये कैसे भूल सकते हो भाई, ये तो खतरनाक ज़बरदस्त हाईटेक वेपन्स वगैरह भी आए हैं, और फ्रैंकलिन इन सब चीज़ों को लेकर आए। और ये वाली जो नई गन हाईटेक वेपन्स में आई है इसमें स्कोप वगैरह भी आने लगा, देखो 8x स्कोप यहाँ पे रखा हुआ है, क्या बात है, क्या जबरदस्त लग रही है। और उसके बाजू में देखोगे तो मशीन गन गोल्डन कलर्स की, इसकी हम ट्रायल टेस्ट देने वाले हैं, क्योंकि ये इसका स्टॉक अभी ना गोल्ड का इतना हमारे पास है नहीं, तो ये वाली गन्स वगैरह हम काफ़ी मतलब ज़्यादा क्वांटिटी में पूरी सिक्योरिटी को प्रोवाइड नहीं कर सकते, पर काफ़ी जल्दी ये वाला सीन कर देंगे। बाकी यहाँ पे देख सकते हो विला की साइड पर हमने ये वाली सिक्योरिटी लगवा दी है, और बाकी ये सिक्योरिटी को यहाँ पर हम लेकर आ चुके हैं। ये वाली जो है भाई काफ़ी खतरनाक डेंजरस अपनी सुरक्षा है, और भाई ये वाली इधर की साइड रहेगी। और अपने घर की साइड दिखाऊँ तो गाइज हम ना इनको जो लगाने वाले हैं, एक साइड मैं आपको बैक साइड भी दिखा देता हूँ, आता हूँ मैं फ्रैंकलिन, दो मिनट यहीं पर रुकियो। तो गाइज हम जो इस सिक्योरिटी को लगवाने वाले हैं फ्रंट पर भी लगवाने वाले हैं, क्योंकि गाइज इधर की साइड से भी कभी भी कुछ भी सीन हो सकता है, क्योंकि जस्ट यहाँ पे देखो यहाँ बाजू में थोड़ी सी खाई सी है, खाई सी के मतलब साइड में देखोगे तो इधर की साइड माउंटेन्स वगैरह है, यहाँ से हमें ये वाली चीज़ भी कवर करवानी पड़ी, क्योंकि ताकि कोई भी अंदर ना आ पाए। बाकी आपको फ्रंट लुक दिखाऊँ अपने विला का, एक नंबर जबरदस्त, ये देखो भाई क्या प्यारा है, पूरी साफ सफाई करवा दिया यहाँ पे ना, फूल पत्ती ये जो पेड़ के पत्ते हैं ये गिर के भाई यहाँ पे ना काफ़ी गंदा हो चुका था, पर आज सुबह सुबह मैं इधर की साइड आया और यहाँ पे पूरी क्लीनिंग करवानी शुरू कर दी। अब आप सब लोग सोच रहे होंगे एकदम से विला में शिफ्ट होने का मतलब कि एकदम से हो कैसे गया ये सीन, तो गाइस सीन ऐसा हुआ कि हमारे घर पे चल रहा है कंस्ट्रक्शन वर्क, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम उधर की साइड एयर डिफेंस वगैरह लगवा रहे हैं, सारी चीज़ें उधर की साइड लग रही है, तो गाइस उसको सारी चीज़ों को देखते हुए हमें अब विला में रहना पड़ेगा कुछ टाइम के लिए, क्योंकि हमारे घर की साइड कंस्ट्रक्शन वर्क ऑन है जहाँ पे अभी हम आपको दिखाने वाला हूँ, और उधर की साइड काफ़ी खतरनाक सीन ऐसा चल रहा है कि भाई कंस्ट्रक्शन वर्क की वजह से भाई काफ़ी ताड़ हो रही है, तो भाई पूरी सोसाइटी की मेरे पास कंप्लेन आ रही है, माइकल भाई क्या करवा रहे हो ये वो। तो मैंने बोला यार थोड़ा टाइम की बात है, थोड़ा सा एडजस्ट कर लो, तो नेबर्स को मैंने समझा दिया। इधर की साइड देख सकते हो मैंने मालिया वगैरह भी रख दी है, तो लड़कियों फटाफट सारा और भी क्लीनिंग कर देना, आराम से रेस्ट वगैरह लेके, तो इनका लंच टाइम हो चुका अभी, बाकी कोई दिक्कत नहीं गाइस, 2 बज चुके तो भाई लंच टाइम हो चुका है इनका, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देख सकते हो भाई काफ़ी खतरनाक सीन है, और गाइज इसका जो हम गैरेज को भी अपग्रेड करने की सोच रहे, तो अपग्रेड हम ऐसा करने वाले हैं गाइज, ये वाला जो कमरा है देखो ये गैरेज का पूरा ये जो एरिया है देखो ये वाला एरिया घेर रहा है, तो हम इस गैरेज को बड़ा बनाने के लिए इस वाले मतलब इसको तुड़वाने वाले, और यहाँ पे भाई इसको पूरी ये वाली दीवार ना यहाँ पे इधर की साइड शिफ्ट करवाने वाले, और एक खिड़की बंद करवाने पर उससे पहले आप देख सकते हो यहाँ पे हमारी मस्टैंग GT आ रही है आज, तो क्या बात है,
काफी खतरनाक वाली। भाई भाई साहब जब मस्टैंग जीटी भाई साहब एक नंबर लगती है ना, जब चलती है तो ये अलग वाइब देती है। अभी मैं आपको चला के दिखाऊंगा क्योंकि इसी से मैं अपनी घर की साइड लेके जाने वाला हूँ। तो फ्रैंकलिन मैं ऐसे कह रहा हूँ सारी गन्स वगैरह प्रोवाइड कर दे जब मैं बुलाऊँ। तो व्हाइट हाउस से की साइड तो चलो मत आना, तो व्हाइट हाउस से दूसरा रूट है, उधर से लेके सीधा मलिबो मैंशन की साइड पहुँचना, क्योंकि वहाँ पे आज इन सिक्योरिटी की आज भिड़वाने वाले इनको बीबी गेमिंग की सिक्योरिटी से। देख से पीटर की सिक्योरिटी में ज़्यादा दम है या फिर बीबी गेमिंग की सिक्योरिटी में ज़्यादा दम है। ठीक है ओके। हाँ हाँ आराम से लेके आइए, कोई भी दिक्कत नहीं। जिनको जितने इनको जो जो वेपन्स वगैरह चाहिए, ये वाले वेपन्स वगैरह चाहिए, ये वाले चाहिए, जो भी चाहिए, जो भी डिमांड है अपनी गन फैक्ट्री से, सारी चीज़ें इनको प्रोवाइड हो जानी चाहिए। कोई भी चीज़ ऐसी ना हो कि बाद में बोले कि हमें तो गन्स नहीं मिली, हमें तो ये नहीं मिला, जो भी है सीन क्लियर रहना चाहिए। ठीक है चल ठीक है कोई दिक्कत नहीं। तो गाइस अब यहाँ से मैं निकल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे भाई साहब मैंने पूरी बात इनको समझा दी है, जो भी चीज़ करनी थी सारी चीज़ें आराम से मैंने इधर की साइड करवा दी। चलो कोई दिक्कत नहीं, अब यहाँ से निकलते हैं। गेट वगैरह खुल चुके हैं ऑटोमेटिक अपने डोर से, तो कोई भी दिक्कत नहीं है। बाकी यहाँ पे देखते हो भाई क्या जबरदस्त अपनी मस्टैंग जीटी भाई साहब, क्या बात है क्या बात है, एक नंबर टोशन पानी बिठाते हुए इधर की साइड से निकल चुकी है, क्या बात है क्या बात। और भाई इसकी स्पीड वगैरह मैं आपको दिखाऊंगा अभी ना, इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा तेज़ है। जैसे कि आपने अब मैंने आपको सुपरा दिखाई थी, सुपरा के बाद जो कोई गाड़ी हमारे पास आई है ऐसी एनिमेटेड लाइट्स वाली, उसमें आई है ये वाली मस्टैंग। और मस्टैंग इतनी तेज भगती है ना, आप भी बोलोगे सिस्टम सोदा पानी हैंग कर दिया, कति माइकल भाई कति भाई साहब सोड वा भाई 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 इतनी भाई इसकी जो भाई सो पे जो ये रफ्तार के साथ इसका जो एग्जॉस्ट चल रहा है देखो, पट 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 करते हुए जा रही है, क्या बात है भाई साहब। ओ ये भाई जो भाई एक नंबर चीज़ आप बोल सकते हो इस वाली गाड़ी को। वो ब्रेक थोड़े यार गाइस इसके स्क्रिट हो रही है, या तो गाइस मेरे को लग रहा है कि इधर की साइड ऑफ रोडिंग जैसा एरिया है ना। अरे नहीं ओ भाई नहीं, ओ सीन हो चुका है गाइस, यहाँ पे हमारा मस्टैंग का एक्सीडेंट हो चुका है भाई। ये क्या भैंस की आँख भाई साहब, गेट टूट चुका हमारी मस्टैंग का और एकदम से हुआ ये सारा सीन। अरे भैंस की आँख ससुरा, ब्रेक ही नहीं है इस गाड़ी में तो। और भाई उस गेट को देखो कैसे जाता जा रहा है भाई साहब, यार काफी गंदा सीन हो चुका है, गेट भी हमें मिल चुका है। अरे यार ये तो पूरा टूट चुका है, ओ भाई काफी खतरनाक और गंदा सीन हमारे साथ हो चुका है क्योंकि मस्टैंग का गेट वगैरह टूट चुका है। तो भाई ज्यादा डैमेज तो नहीं आया गाड़ी में क्योंकि गाइस इस वाली जो गाड़ी में देख सकते हो, अरे भैंस की आँख, अच्छा मैंने अलग बटन दबाया इस वजह से ये हुआ। अरे मैं यार गाइस अंदर की साइड ना यहाँ पे देखो इतने सारे बटन्स वगैरह, तो इसको मैंने दबाया तो ये इसकी वजह से हुआ। देखो किसकी वजह से, ये देखो ये बटन दबा दिया तो ये ऊपर उठी तो एकदम से बैलेंस डिसबैलेंस हो गया। चलो कोई दिक्कत नहीं, अभी यहाँ पे यार भाई बैनी की गैरेज पे जाना पड़ेगा, बैनी के यार भाई की गैरेज पे चलेंगे क्योंकि बैनी की गैरेज उधर की साइड है, तो बैनी की भाई की गैरेज पे जाके मैं ये सारी चीज़ ठीक करानी पड़ेगी गाइस। ये तो यार काफ़ी खतरनाक और भयंकर सीन हो चुका है, और इसके बाद मैं आपसे लोगों को सीधा लेके चलता हूँ अपने घर की साइड। तो लेट्स गो सीधा उधर की साइड ही जाके मिलेंगे। जितना आपको करना है चैनल को सब्सक्राइब, जिस भाई ने सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो को लाइक भी कर दो और कमेंट करके बताओ कैसी लग रही है हमारी शेल्फी मस्टैंग एक नंबर जीटी। और ये क्या बात है सिस्टम सोदा पानी हैंग कर दिया है, और इसकी जो देखो जैसे लाइट जलाते तो कुछ ऐसी भी निकल के आती है, क्या बात है। तो सीधा उधर की साइड ही पहुँच के आपको मिलते हैं, जितने आप चैनल को सब्सक्राइब करो मेरे प्यारे भैया, लेट्स गो। तो गाइस अपने गाड़ी तो वगैरह ठीक करवा ली और बैनी के गैरेज पे ही जाना पड़ा क्योंकि इसके जो पार्ट्स मिलते हैं बैनी के गैरेज पे मिलते हैं। पर गाइस अपने घर की साइड पूरा कंस्ट्रक्शन वर्क ऑन हो चुका है, मैंने भाई अभी फ़ोन वगैरह करके पूछा इंजीनियर से, तो इंजीनियर बता रहा है कि आप विजिट के लिए आ सकते हो, आपकी सिक्योरिटी वगैरह भी बहुत अच्छा कॉर्पोरेट कर रही है। तो गाइस हमारे बीबी गेमिंग की सिक्योरिटी भी आपको देखने को मिलेगी इधर की साइड। तो भाई साहब क्या बात है, हमारी 20 सिक्योरिटी भी यहाँ पे खड़ी हुई है, कोई दिक्कत नहीं है, और इंजीनियर साहब दिख नहीं रहे। चलो कोई दिक्कत नहीं, गेट तो खुलवा देते हैं यार, गेट खोलो फटाफट। चलो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे काफ़ी खतरनाक सीन है। चलो भाई ये गेट भी बंद कर रखा है क्या, खुल गया। चलो यार हमारे लिए तो खोल ही लिया, चलो कोई दिक्कत नहीं है, सिक्योरिटी ने पहचाना नहीं होगा ना, हम नई गाड़ी में इधर की साइड आए। चलो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, चलो उतर जाते हैं आराम से। और यहाँ पे देखते हो तो काफ़ी खतरनाक वाला कंस्ट्रक्शन वर्क ऑन हो चुका है, ईंटें वगैरह बजरी वगैरह सब कुछ आ चुकी है इधर की साइड। देखते हो क्या बात है भाई, पूरा शुरू से आपको बाहर की साइड से टूर दूँ तो यहाँ पे देखते हो जो चीज़ें अब रिनोवेट होने वाली है वो भाई इधर की साइड रिनोवेट होने वाली है। बड़े बड़े डंपर आ चुके इधर की साइड देखते हो, और हमारी सिक्योरिटी वाला पूरा कॉर्पोरेट करिए क्योंकि आज यहाँ पे बहुत दूर डस्ट जम रही है, तो उसकी वजह से ये वाला भाई सिक्योरिटी सही रहेगी इधर की साइड। देखते हो काफ़ी खतरनाक वाले, अरे आराम से मैं कह रहा हूँ पीछे रहे यार, इधर की साइड लगभग जाएगी आंख में, तो इसलिए मैं तेरे को पीछे होने के लिए बोल रहा हूँ। चलो कोई दिक्कत नहीं, बाकी यहाँ पे देख सकते हो सिक्योरिटी कितने प्यारे तरीके से खड़ी हुई है आराम से। बाकी यहाँ पे कंस्ट्रक्शन वर्क ऑन हो चुका है, अपनी जो एक वाली क्रेन वगैरह भी आ चुकी है, जेसीबी भी आ चुकी है, और
भाई यहाँ पे देख सकते हो बजरी रोडी सब कुछ आ चुके हैं। तो भाई इधर की साइड अभी तो शुरू हुआ हमारा कंस्ट्रक्शन, तो पूरा कवर वगैरह कर दिया गया है विंडोज़ वगैरह को, ताकि अंदर की साइड कोई भी धूल डस्ट जाए ना, तो कोई भी दिक्कत नहीं। इधर की साइड तो सही सीन है भाई, यहाँ पे देख सकते हो भाई काफ़ी खतरनाक तरीके से जो वेल्डिंग वगैरह भी कर रहे हैं, पाइप वगैरह में जो भी लीकेज वगैरह हो रही थी सारी चीज़ें अब हम ठीक करवाई रहे हैं, क्योंकि पहले हमने छोटा सा छत छत का ठीक करवा लेते, पर जो भी डैमेजेस वगैरह हुए हैं इतने सालों में, उसके बाद अपनी फैमिली को भी यहाँ पे बुलाना है, तो भाई ये सारा चीज़ तो करवाना पड़ेगा ना। यहाँ पे देख सकते हो नीचे साइड भाई पूरा ये पता नहीं कहाँ से तोड़ के निकाला, देख सकते हो यहाँ पे रिनोवेट वगैरह और ये सारी चीज़ें कवर करी जा रही है, क्योंकि अंदर की साइड का हम कुछ भी नहीं करा रहे हैं, बाहर की साइड का पूरा कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है। और भाई साहब यहाँ पे तो देखो पूरा भाई साहब सिस्टम सोडा पानी सेट हो चुका है, ये देखो भाई रोड़े वगैरह तोड़ के पता नहीं कहाँ का मलबा निकाला पूरी भाई साहब अपनी जो जाम कर दी गई आगे की खिड़कियाँ, पीछे की खिड़कियाँ भी देख सकते हो भाई अपनी जो दो तीन ही हुई है, पर पीछे की साइड यहाँ से हम अपने घर में जाके अपना चेंज रूम जो भी करना होगा वो कर सकते हैं, तो बिल्कुल खुला हुआ रखा है। तो घर के अंदर की साइड देख सकते हो कुछ भी हमारा कंस्ट्रक्शन वर्क नहीं चल रहा है, पर बाहर की साइड से पूरा कवर कर दिया गया है, ताकि हमारा देख सकते हो ये लग्जरी इंटीरियर खराब ना हो, हमारी पेंटिंग कुछ भी खराब ना हो, ये सारे सीन इधर की साइड सॉर्टेड है। बाकी बढ़िया यार सीन काफ़ी अच्छा हो चुका है, अपना घर का कंस्ट्रक्शन वर्क फाइनली ऑन हो चुका है। काफ़ी टाइम बाद हमें भाई एक दो इंजीनियर साहब मिले, इंजीनियर मिलना एक तो आजकल भाई लॉस एंजेलोस में काफ़ी डिफिकल्ट है, क्योंकि उसके हिसाब से वो काम कराना पड़ता है, वैसे भाई साहब कोई भी कैसे करके चले जाता तो वो सारा सीन खोल लेता है, फिर हमारा ही पूरा मटेरियल लगता है कि ये चीज़ ऐसे क्यों बन गई, इसको तोड़ के ऐसे बनाओ, उसको तोड़ के ऐसे बनाओ, तो ये सारी चीज़ें हमने फाइनली पहले डिसाइड कर दी थी। भाई यहाँ पे देख सकते हो भाई पत्थर वगैरह ईंट वगैरह भी आ चुके हैं, क्या बात है क्या बात है। यहाँ पे भाई अपनी सिक्योरिटी भी आराम से खड़ी हुई है, और हमने काफ़ी कम सिक्योरिटी कर दी है इधर घर की साइड, क्योंकि यहाँ पे धूल डस्ट इतनी ज़्यादा मतलब कि हो रही है ना, तो भाई काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही थी सिक्योरिटी वगैरह को भी। बाकी कोई भी दिक्कत पानी इधर की साइड नहीं है, काफ़ी खतरनाक तरीके से अपना कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है। चलो बढ़िया बढ़िया, कोई भी दिक्कत नहीं है, यहाँ पे बाहर की साइड भी हो रहा है, चलो सही है सही है सही है, बढ़िया बढ़िया इधर की साइड भी। और ये वाला जो है गेट, इसको भी कहीं साहब हटाने की सोच रहे हैं, अगर इस गेट को हटा दें तो देखो एक ही मेन गेट रहेगा, पर यार ये वाली जगह हमारे फिर वेस्ट हो जाएगी अगर इधर की साइड गेट हमने बंद कर दिया, क्योंकि इधर की साइड भी जब हमें मेन गेट से नहीं जाना होता तो हम छोटे गेट से इधर की साइड से चले जाते हैं। बाकी आपने कंस्ट्रक्शन वर्क देख सकते हो पूरी तरीके से, भाई ऊपर की खिड़कियाँ देखो वो भी बंद कर दी है मैंने, वो तो नोटिस नहीं किया था ऊपर की साइड से भी। और बाकी यहाँ पे काम पानी पूरा चालू हो चुका है, कम से कम एक हफ्ता दो हफ्ते में हमारा काम हो जाएगा, और फिर उसके बाद हम इधर की साइड रह सकते हैं। चलो कोई दिक्कत नहीं है, जितने हम इधर की साइड आए तो गाइस अब मैं चेंज करके नहा धो लेता हूँ, और जितने इनका काम चलना चले तो भाई सही बोल रहे थे यार जो नेबर्स भाई कर 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 आवाज़ तो आ रही है, देखो ये जब मशीन चलती है ड्रिल वाली तो भाई ये ज़मीन में जब ये पत्थर वगैरह को तोड़ती है तो भाई आवाज़ आती है, तो वो सारा सीन तो है, पर कोई दिक्कत नहीं गाइस दो तीन दिन तो इन्हें कोऑपरेट करना पड़ेगा, क्योंकि हम रहते हैं यहाँ पे VIP सोसाइटी में, तो आपको पता ही है फिर सीन कैसा होता है। चलो कोई दिक्कत नहीं, जितना एक बैग बैग भी मार लूँ क्या, चलो भाई एक बैग तो बना हुआ है, बैग बैग खत्म करते हैं, नहा धो के रेडी होते हैं। जितना आपको करना है क्या, शेयर को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, फिर आपसे लोगों से मिलते हैं। गाइज अब निकल चुके अपने घर की साइड से भाई गड्डी लेके अपनी स्कॉर्पियो, और गाइज अभी ना ऐसा सीन हुआ है कि हमारे पास फोन आता है बालाज गैंग के लीडर का, और लीडर चाहता है कि हमारी एक मीटिंग हो, तो भाई मैंने फिर कहला कि मीटिंग करके अब बचा क्या है, वैसे भी तुमने ना अपनी औकात दिखा दी है अंडरवाटर माफिया के साथ हाथ मिला के। तो फिर उन्होंने कहा ऐसा कुछ भी नहीं है, हम जो चाल चल रहे हैं वो हमारी अलग फाइट है, आपकी अलग फाइट है, तो आपको इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए था। तो मैंने बोला मेरे से पूछा तुम्हारे हमारे शोरूम बंद हुआ, तुमने हमारे शोरूम वालों को धमकी दी, जो सारा सीन करा है उस वजह से ही मैंने ये सीन करा है, बाकी कुछ भी हो तुम्हें जिसके साथ हाथ मिला तुम मिलाओ, जो करना है तुम करो, पर लीडर चाहता है कि उनके हुड के वहीं पे भाई मीटिंग हो, तो हुड के वहाँ पे मीटिंग हो, तो हुड पे गाइस कभी भी ना एक गैंग की रिस्पेक्ट होती है कि उनके हुड पे बुला के वो गोली नहीं चला सकते हैं। तो गाइस फिर मैंने सोचा और फिर मैंने जो मतलब कि एक दिमाग लगाया, क्यों ना अपनी सिक्योरिटी के साथ पूरा भाई साहब मतलब कि काफिला लेके हम वहाँ पे तो चल ही सकते हैं। तो उसके लिए गाइज अभी मैं जा रहा हूँ मलिबो मेंशन की साइड पे, जहाँ पे हम पूरी गाड़ियाँ लेके अपनी स्कॉर्पियो से लेके भाई फॉर्च्यूनर सारी गाड़ियाँ लेके उधर की साइड में निकलने वाला हूँ। तो उसके लिए अभी तो जा रहा, अरे भैंस क्या चक्चा ने अपनी लैंड में चला ले रहे इधर उधर हो रहा, एक तो स्कॉर्पियो ले रहा हूँ ऊपर तक गोली ले रहा हूँ, यही तार दूंगा तेरे सीने में छः की छः, ठीक है। चलो कोई भी दिक्कत नहीं है बिल्डो को, अभी तो हम निकल रहे हैं मलिबो मेंशन के, वहाँ पे जाके हमें पूरी प्रिपरेशन वगैरह करनी है, फिर बालाज गैंग से हम आज करने वाले काफ़ी ज़बरदस्त वाली मीटिंग, और थोड़ी देर बाद हम करेंगे फिर कैसा गाइस, जैसे हमारी सिक्योरिटीज़ वगैरह फ्री होगी तो फिर हम करवाने वाले हैं काफ़ी खतरनाक वाली एक जंग, जिसमें होगी बीबी गेमिंग की सिक्योरिटी वर्सेस पीटर की सिक्योरिटी, देखते हैं किसमें है कितना है दम, देख सकते हो गाइस अब जो भी होगा सीन आपके सामने हो जाएगा। बाकी अभी तो हम निकल रहे हैं सीधा मलिबो मेंशन की साइड, जहाँ पे भाई काफ़ी खतरनाक वाला सीन हम
करने वाले, बिल्डरों को एक नंबर टोचन बिठाने वाले। बाकी गाइस काफ़ी ज़्यादा मज़ा तो आपको आएगा जब दोनों सिक्योरिटी आमने सामने भिड़ेगी। पर उससे पहले गाइस बालाज गैंग का जो भी सीन चल रहा है हमारे साथ उसको मैं क्लियर करना चाहूँगा, और वो सारी सीन आज आप सब लोग के सामने आ ही जाएंगे कि क्यों उन्होंने ऐसा करा, हमें क्यों धोखा दिया। बाकी कोई भी दिक्कत नहीं है, सीधा पहुंचते हैं मलिबो मेंशन के भाई और वहीं पे आप सब लोग को मिलते हैं, लेट्स गो। गाइस हम पहुंच चुके हैं मलिबो मेंशन के बहुत ज़्यादा करीब। तो गाइस अब सीन ऐसा हो रहा है कि हमारी स्कॉर्पियोज वगैरह और जो हमने फॉर्चुनर वगैरह लेके जाने वाले, तो फिर भाई लेस्टर ने बोला क्यों ना पूरी फॉर्चुनर लेके जाओ, अलग टोरा होगा वहाँ पे, अलग सिस्टम सोडा पानी होगा। तो फिर मैंने कहा चलो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कर लेते हैं, आप सब लोग कह रहे हो तो। बाकी हम पहुंच चुके भी मलिबो मेंशन की साइड, जहाँ पे ऊपर की साइड देखते हो तो हमारे पूरे एयर डिफेंस वगैरह सारी चीज़ें काफ़ी अच्छे तरीके से काम करी, और स्नाइपर वाले जो बंदे हैं ऊपर देख सकते हो कितने तगड़े तरीके से बैठे हैं, जो कि हमने रिसेंटली लगवाए हैं मलिबो मेंशन की साइड। क्या बात है, क्या बात है, और अपने एयर डिफेंस वगैरह काफ़ी अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, तो कोई भी दिक्कत पानी ऐसी नहीं होनी चाहिए। चलो कोई दिक्कत नहीं, अपनी सिक्योरिटीज वगैरह देख सकते हो कितने ज़बरदस्त तरीके से खड़ी है अपनी एसपी सिक्योरिटी में, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। लेस्टर वगैरह दिख नहीं रहे किधर की साइड गया रहा है, चचन है रू, अरे भाई साहब क्या बात है, क्या बात है, थैंक यू, क्या बात है, क्या बात है। तो गाइस ये कह रहे हैं कि भाई साहब माइकल सर ओपी, क्या बात है, क्या बात है, जब भी आते हैं। अरे लेस्टर के करंट लग रहा, अच्छा गाड़ियों की सर्विस करवा रहा, हाँ यार सही है, टाइम टू टाइम सर्विस भी कराया कर, क्योंकि हर टाइम तो चलती नहीं। और बाकी हैकर गर्ल सब ठीक है, अच्छा ठीक है, चलो बढ़िया बढ़िया। अभी जो तुम्हें काम दे रखे उस पर पूरी नज़र रखो, और कायो पेरिको में क्या चल रहा है नहीं चल रहा उस पर भी नज़र रखना है तुम्हें पूरा, बिल्कुल। चलो ठीक है, गाड़ियों की सबकी सर्विस करा दो, जीप कंपास वगैरह की, यहाँ पे देख सकते हो फॉर्चुनर और यहाँ पे लेस्टर की जो गड्डी है भाई साहब एक नंबर टोचन पानी हो रखा, सारी गाड़ियाँ एक से बढ़कर एक है, जैसे कि आपको मैंने पहले भी दिखाई ये चीज़ भाई, काफ़ी खतरनाक वाला कलेक्शन अपने पास मलिबो मेंशन में। डिफेंडर देख लो ब्लैक जर्सी से की बात, तो क्या ही प्यारा लुक आता है इसका निकल के भाई साहब, क्या बात है। और ऊपर से भाई BMW की X7 ये भी देख सकते हो, काफ़ी ज़बरदस्त है। और बाकी मैं लेस्टर से पूछता हूँ यार कितनी देर में गाड़ी आ रही है, तो लेस्टर जैसे मेरी फ़ोन पे देर पे बात हुई थी वो कितनी देर में आ रही गाड़ियाँ, अच्छा ठीक है यार जल्दी बुला फिर, मेरे को मीटिंग वगैरह के लिए भी जाना है बालाज गैंग के साथ, तुझे पता ही हमारा जो सीन चल रहा है, तो वो सारे सीन के लिए फटाफट फ़ोन कर और जल्दी से बुला ले सारी गाड़ियाँ, ठीक है। चल ठीक है गाइस, तो हमारी गाड़ियाँ आने वाली है, उसके बाद पूरी सिक्योरिटी के साथ हम जाने वाले हैं, गाड़ियाँ लेके जो सिक्योरिटी आ रही है हमारी उनके साथ ही आ रही है, तो बाकी कोई दिक्कत नहीं है। एक बार हम नीचे की साइड भी देख लेते हैं, काफ़ी खतरनाक सीन होता है जब भी हम इधर की साइड आते हैं, तो गाइस अपना पूरा कलेक्शन जरूर चेक करते हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहता इधर की साइड कुछ भी गड़बड़ हो और ऐसा सीन हो जिसके बाद हमें यहाँ पे पैसा भरना पड़े, क्योंकि गाइस यहाँ पे ना सीन ऐसा है कि हमारे कुछ लिमिटेड कलेक्शन वाले जो हमारे वेपन्स हैं वो मैं यहाँ पे रखता हूँ, और यहाँ पे नीचे की साइड आप सब लोगों को दिखाता हूँ। तो यहाँ से ये हमारा सीक्रेट बंकर, जैसे हम नीचे जाएंगे तो नीचे साइड आप लोगों को देखने को मिलेगी काफ़ी खतरनाक वाली चीज़ें, जैसे कि मैंने पहले भी आपको दिखाई है, पर गाइस जब भी मैं इधर आता हूँ तो मुझे ये सारी चीज़ें चेक करनी होती है एज ए ओनर यहाँ का माइकल डिसेंटा, तो देख सकते हो पे हाईटेक वेपन्स वगैरह भी ये वाले हैं। तो गाइस आज ना ये वाले हाईटेक वेपन्स वगैरह भी हम जो दोनों सिक्योरिटी है उनसे चलवा के दिखाने वाले हैं कि कौन सा हाईटेक वेपन ज़्यादा बेटर है, ये वाला या फिर ये जो नया हाईटेक वेपन आया एटेक्स के साथ ये वाला, तो काफ़ी खतरनाक सीन है। मशीन गन्स वगैरह भी सब कुछ चीज़ें हम ज़बरदस्त तरीके से आज चलाने वाले हैं, काफ़ी ज़्यादा मौज मस्ती होने वाली है, पर उसके लिए आपको करना पड़ेगा उनका चैनल को सब्सक्राइब। क्या बात है, काफ़ी खतरनाक सीन हो रखा है। इधर की साइड भी देखो एयर डिफेंस का पूरा सामान रखा, और ये वाले जो बम वगैरह बने भाई, इसको अगर एक को मतलब कि फिट कर देते तो पूरी दीवार क्या पूरा मेंशन गिरा सकते हैं, इतने खतरनाक हमारे ये बम्स अगर पिलर पर हमने लगाए। बाकी यहाँ पे देख सकते हो काफ़ी ज़बरदस्त वाले देख सकते हो, ये जो है ये है भाई किसके, अपने सबमरीन्स के सामान। तो सबमरीन अभी हमें मिल नहीं रही है, जिस दिन हमें सबमरीन मिली कायो पेरिको की उस दिन देखना पैसों की बारिश हो जाएगी बेटो। चलो कोई दिक्कत नहीं है, अभी तो ऊपर की साइड चलते हैं, और जैसे हमारी गाड़ियाँ वगैरह आती है फिर अपनी सिक्योरिटी के साथ हमें निकलना है बालाज गैंग के हुड की साइड, जहाँ पे आज हमारी मीटिंग वगैरह होने वाली है काफ़ी ज़बरदस्त। चलो देखते हैं अब क्या डिसाइड होता है, क्या डिसाइड नहीं होता वहाँ पे, वो तो वहीं पे जाके पता लगेगा, पर अभी हम थोड़ी देर में इधर की साइड से निकलने वाले अपनी पूरी सिक्योरिटी के साथ, तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा तो आप सब लोग को आने वाला है। चलो कोई दिक्कत नहीं, जितने वेट वगैरह करते हैं और जैसे सिक्योरिटी आती है तो फिर आप सब लोग को दिखाते हैं। बाकी आप उधर की साइड लेस्टर और हैकर गर्ल तो सर्विस करवा रहे, जितने अपने पास देख सकते हैं रेंज रोवर खड़ी है, BMW की गाड़ी खड़ी है, महंगी लग्जरी गाड़ियाँ हम इधर की साइड रखते हैं जैसा कि आपको पता ही है, तो ये सारा सीन करवाते हैं और फिर आप सब लोगों से मिलते हैं, जितने मैं भी रेस्ट कर लेता हूँ क्योंकि थोड़ी देर टाइम लगेगा हमारी सिक्योरिटी के आने में, तो कोई दिक्कत नहीं है। जितने हमारी सिक्योरिटी आती है जितने आपको करना क्या चैनल को सकते हैं, वीडियो को लाइक फटाफट ये कर दो, फिर आप सब लोगों से मिलते हैं, लेट्स गो।
गाइस हम पूरी तरीके से रेडी हो चुके हैं बालाज गैंग से मीटिंग के लिए, और सामने की साइड आप सब लोगों को इसको दिखाऊं तो भाई हमारी पूरी सिक्योरिटी देख सकते हो कितने जबरदस्त तरीके से, हमारी बीबी गेमिंग की वाइट वाली सिक्योरिटी आ चुकी है, काफ़ी खतरनाक कमांडोज माने जाते हैं, पूरी गाड़ियां लेकर आ चुके हैं मलिबो मेंशन के जस्ट सामने, अभी अभी पहुंचे और मैं फिर जैसे रेडी हुआ तो इन्होंने बाहर की साइड आ चुके थे। तो भाई यहाँ पे देख सकते हो अपने तीन तो हम फॉर्च्यूनर लेके चल रहे हैं, काफ़ी खतरनाक सिक्योरिटी वहाँ पे लेके चल रहे हैं, क्योंकि किसी भी वक्त कोई भी सिचुएशन खराब हो सकती है, जैसा कि आपको पता ही है कहीं पे भी कुछ भी हो सकता है। तो सारा सेटलमेंट पानी करने आज हम जा रहे हैं बालाज गैंग से, क्या बात होगी क्या नहीं होगी, और अपनी बुलेट प्रूफ बाइक डिफेंडर लेके इधर की साइड से हमें निकलना पड़ेगा क्योंकि काफ़ी खतरनाक सीन हो सकता है बिल्डों को। बाकी यहाँ पे देख सकते हो लैंड रोवर की बैचिंग वगैरह कितनी तगड़ी लगती है, और भाई साहब एक नंबर सिस्टम वाली गाड़ी है, डिफेंडर आप सब लोगों को पता ही है, और हमारी सिक्योरिटी आ चुकी है। तो मैं ऐसे कह रहा हूँ सिक्योरिटी सारा चेकअप वगैरह कर लो, गन्स वगैरह सब कुछ चीज़ें रख लो, बैकअप के लिए भी कभी भी कुछ भी हो सकता है वहाँ पे। ठीक है बिल्कुल बिल्कुल, सारी गन्स वगैरह जो है डिक्की के अंदर की साइड नीचे की बोनेट की साइड रखना, ताकि कोई भी दिक्कत हो तो हम फटाफट वहाँ से निकाल के उनको मार सके अगर वहाँ पे गोली चलती है। वैसे उठ पे गोली नहीं चलनी चाहिए, अगर उन्होंने बेशर्मी दिखाई तो हम तो उनको फोड़ देंगे। ठीक है, तैयार रहना तुम लोग भी। ठीक है चलो अब फटाफट रेडी करो अपनी पूरी आर्मी को और फिर हम यहाँ से निकलते हैं। तो गाइस जैसे यहाँ पे थोड़ी देर टाइम लगेगा हमें यहाँ पे पूरे सेटलमेंट वगैरह होने में, गन्स वगैरह ला के रखनी पड़ेगी मलिबो मेंशन के अंदर से, जो कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले दिखाई थी, तो वो वाली सारी गन्स आज यूज़ करने वाले हैं। फाइट वगैरह होगी तो हम उनकी बैंड बचा सकते हैं ना बिल्डों को, इसलिए देख सकते हो फॉर्चुनर आ चुकी है और अपनी वाइट वाली सिक्योरिटी भी आ चुकी है। तो काफ़ी खतरनाक वाला सीन होने वाला है बालाज गैंग के साथ, तो थोड़ी देर टाइम लगेगा, जितना आप करना है चैनल को सब्सक्राइब करो, फिर थोड़ी देर में आप सब लोगों को मिलते हैं। और पीछे देखो गोवा वाले बीच वाले देख सकते हो, नारियल भी लग चुके हमारे हाउस के बाहर, क्या बात है सिस्टम हैंग होने वाला थोड़ी देर में बालाज गैंग का। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो एक के बाद एक अपनी पूरी गाड़ियां निकलती हुई, क्या बात है, पूरे काफिले के साथ पीछे डिफेंडर के पीछे भाई पूरी फॉर्च्यूनर हो रही है, तो एक अलग टोरे के साथ हम तो यहाँ से निकलते हुए, क्या बात है बिल्डों को। एक नंबर सिस्टम थोड़ा पानी हैंग हो चुका है, एक गाड़ी पीछे की साइड रह चुकी है हमारी, क्यों रह चुकी है एक बार वो देखना पड़ेगा बिल्डों को, क्या बात होगी। चलो आगे वो भी आगे, बिल्डों को आराम से यहाँ से निकल रहे सिस्टम थोड़ा पानी हैंग करते हुए कती, भाई साहब क्या बात है एक नंबर मोज बांध दिए यहाँ पे देख सकते हो, एक के पीछे गाड़ी हो रखी है। तो गाइस जैसा कि आपको पता ही है हमारी पूरा काफिला निकल रहा है आज बालाज गैंग से मीटिंग के लिए। तो मीटिंग में सीन ऐसा हुआ गाइस कि उनका जो बंदे हैं वो हमने काफ़ी ज़्यादा भाई उनकी मतलब ऐसी तैसी कर दी है, क्योंकि उन्होंने कोशिश करी थी, बालाज गैंग कोशिश कर रही थी अंडर वाटर माफिया के साथ हाथ मिला के हम ही को ख़त्म करने में, पर फिर मैंने जो सिस्टम बिठाना शुरू करा उनका भाई, फिर जो हुआ आप सब लोगों ने देखा ही, क्या खतरनाक फाइट्स वगैरह हमने करी। तो भाई फाइनली अब वो कॉम्प्रो के लिए शायद या तो रेडी हो गए या फिर कुछ और सीन वो चाहते हैं, तो उनकी वो ख्वाहिश भी हम पूरी कर देंगे। पर अभी देख सकते हो भाई अपनी पूरी डिफेंडर आराम से भाई साहब सिस्टम सोदा पानी हैंग करते ही हो ये निकल चुके इधर की साइड से। बाकी यहाँ पर देख सकते हो गाड़ी सीधे बाजे फिर बुफर भाई गड्डी के, क्या बात है आराम तरीके से देख सकते हो पे पूरे गैंगस्टर लुक में हमारा पूरा लोगो भाई साहब, क्या बात है, पूरा प्रोटोकॉल से हम जाते हुए यहाँ पे, क्या बात है, देख सकते हो पूरा प्रोटोकॉल निकल चुका है बालाज गैंग की ऐसी तैसी करने के लिए, क्या बात है सिस्टम थोड़ा पानी उनका हैंग कर देंगे हम, कोई भी दिक्कत मतलब। बाकी यहाँ पे देख सकते हो साइड में भी हमारे बॉडीगार्ड्स वगैरह बैठे हुए, तो कोई भी दिक्कत हुई तो भाई सीधा सिस्टम थोड़ा पानी हैंग कर देंगे। पहले तो गाड़ी चलाने के ही कह रहे थे, पर नहीं भाई मेरे को अपनी ड्राइविंग स्किल्स दिखानी पड़ेगी, अगर बीच में कोई भी अटैक वगैरह करते हैं, कोई प्लानिंग्स वगैरह करके बैठा हो अंडर वाटर माफिया या फिर बालाज गैंग, तो वो सारा सीन देखते हुए मैंने इधर की साइड बिल्कुल भी रिस्क नहीं लिया और ड्राइविंग मैं खुद ही कर रहा हूँ। देख सकते हो भाई अब आगे आ चुके टनल वगैरह से निकल के भाई हम जा रहे हैं सीक्रेट रास्ते से आज दोस्त सेंटोस, हमें ना बिल्कुल भी कोई भी दिक्कत नहीं चाहिए बीच में, क्योंकि ये जो मीटिंग है इसमें हम काफ़ी मोटा पैसा कमाने वाले, सीधा पैसों की डिमांड करेंगे तो काफ़ी खतरनाक सीन होगा। बाकी पीछे की साइड देख सकते हो भाई पूरी फॉर्च्यूनर वगैरह क्या लग रही है लाइटनिंग में, एक से बढ़कर एक भाई गाड़ी हमारे पीछे पीछे चल रही है, ये देख सकते हो भाई क्या जबरदस्त लग रही है फॉर्च्यूनर। तो भाई पूरा काफिला लेके अभी हम निकल रहे हैं बालाज गैंग से मीटिंग वगैरह करने के लिए। तो भाई सीरियसली हमारा जो एरिया था वो भी भाई उन्होंने बंद करवा दिया, जो इतना सिस्टम सुधार पानी कर रहे हैं ना वो बालाज गैंग की, तो आज ऐसी तैसी करने का मेरा पूरा मूड, उनके लीडर का जो लीडर ने अपनी जुबान दी थी वो जुबान पे भी नहीं रहा, क्योंकि उनसे हमने भाई सौदा किया था कि भाई हमारे पूरे शोरूम का ध्यान तुम रखोगे और बाकी पैसा वगैरह गन्स वगैरह हम प्रोवाइड करेंगे। पर उसके बाद भी अंडर वाटर माफिया ने पता नहीं उनको ऐसी कौन सी गुड्डी पिला दी जिसके बाद उन्होंने ये हरकत कर दी। पर कोई दिक्कत नहीं है, अभी सिस्टम थोड़ा पानी उनका हम बिठाएंगे, उनके हुड पे जाके भैंस के आंख उसको गोली भी मार सकते हैं, इतना दम हम रख सकते हैं। पर नहीं यार, एक गैंग के
हुड की हम इज्जत करते हैं, क्योंकि हुड पे अगर गोली चलाना अपनी बेइज्जती होगी, अपनी कायरता को भाई वो कहेगा कि भाई तुमने हुड पे जाके गोली चला दी। बाकी एक के बाद एक गाड़ी देख सकते हो भाई, कति भाई सिनेमेटिक शॉट्स में आपको क्या जबरदस्त दिख रही होगी, एक के बाद एक गाड़ी 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 हो रही है, गाड़ी जिससे बात जा रहा है कति डिफेंडर वाला, तो कति भाई सिस्टम थोड़ा पानी सेट कर रहा हूँ मैं, और पीछे भाई हमारे बॉडी गार्ड्स वगैरह अलग रश रेस ड्राइविंग कर रहे हैं, पूरा सिस्टम थोड़ा पानी हैंग हो चुका है। इधर की साइड देख सकते हो एक के पीछे एक गाड़ी निकल चुके हैं, यमुना जमुना वाले ब्रिज पे हम पहुंच चुके हैं, और बालाज गैंग के हम बैंड बजाने वाले काफ़ी खतरनाक तरीके से, देख सकते हो क्या बात है, एक के पीछे एक गैंगस्टर जा रहे हैं देख सकते हो, और ये क्या बात है क्या बात है, एक के बाद एक गाड़ी ऐसी जा रही है ना भाई साहब, टोचन सिस्टम थोड़ा पानी बिठाते हुए, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो भाई सीधा अभी पहुंचेंगे बालाज गैंग के हुड की साइड, और फिर आपको उधर की साइड ही दिखाते हैं क्या सीन को मांगते हैं, क्या खुराक मांग रहे हैं, जो भी मांग रहे हैं आप सब लोगों को दिख ही जाएगा। बाकी लेट्स गो, चलते सीधा बालाज गैंग के हुड पे, और वहीं पे आप सब लोगों को मिलते हैं, लेट्स गो। ओ ये क्या बात है, फॉर्च्यूनर तो अलग चार चांद लगा दे रही है, लेट्स गो, डिफेंडर तो है फिर बिग डैडी ऑफ एसयूवीज, लेट्स गो। को जो डीलिंग्स हमारी हुई थी वो हुई थी पूरी वेपन्स के ऊपर, और वेपन के जो तुम बदले में हमें जो सारा सीन देने वाले थे वो था भाई साहब हमारी सिक्योरिटी और बालाज गैंग के लीडर, और तुमने उसी चीज़ में देखो ऐसा जो हैंग करा है हमारा माइंड, उसके बाद बिल्कुल भी मन नहीं है हम तुमसे और रिलेशन रख पाए, बिल्कुल बिल्कुल कोई भी दिक्कत नहीं है। देखो तुम्हारी हमने पूरी टर्म्स एंड कंडीशन मानी है, तुम्हारे हुड की हमने रिस्पेक्ट करी है, कि जॉन के सामने बात हुई थी मैंने जॉन को भी बुला लिया है, और तुमने जो बोला कि कोई भी सिक्योरिटी अंदर नहीं आ सकती तो हमने सिक्योरिटी को भी अंदर नहीं लेके आए। पर देख सकते हो अब जो तुम कर रहे हो, अब तुम अपना रिलेशनशिप दोबारा ठीक करना चाहते हो, तुमने अंडर वाटर माफिया की बातों में आके जो भी सीन किया है वो मतलब कि ऐसे तो नहीं होएगा, क्योंकि हमारे भी रिसोर्सेज का काफ़ी मतलब कि बुरा इस्तेमाल हुआ है, और तुम्हारे भी मान सकता हूँ तुम्हारे काफ़ी बंदे मारे गए हैं, और हमारे भी भाई काफ़ी सिक्योरिटी को डैमेज वगैरह आए, तो उसका मुझे कॉम्पनसेशन चाहिए, उसके बाद हम सोचेंगे कि तुम्हारे साथ अब डीलिंग करनी है नहीं करनी। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने तो मना करा ही नहीं जॉन, देख तेरे सामने ये सारी डीलिंग्स हुई थी कि हमने इनको बोला था कि तुम हमारे शोरूम को पूरा डीलिंग वगैरह पानी दो, कोई भी कुछ भी दिक्कत आए तो यहाँ से फटाफट बैकअप भेज दिया करो, पर इन्होंने ऐसा सीन करा नहीं, और अब हम इनके साथ कोई भी मीटिंग या डीलिंग पानी हम करने के लिए रेडी नहीं थे। पर यार गाइस यहाँ पे जॉन ने थोड़ा मतलब कि रिक्वेस्ट वगैरह करा है, इनका काफ़ी अच्छा रिलेशन था, तो फिर जॉन ने बताया कि तुमने वो बात गलत करी है और उसके बाद हमने तुम्हें टोचन दिया है। बिल्कुल बिल्कुल, तो हम सोचेंगे जो हमारा जितना भी कॉम्पनसेशन बनता है हम कैलकुलेट करके तुम्हें रिसिप्ट भेज देंगे, अगर तुम वो पैसा हमें चुका देते हो तो फिर हम सोच सकते हैं आगे रिलेशन में क्या रखना है क्या नहीं करना, तुम्हारे बालाज गैंग से हमें कोई डीलिंग करनी है नहीं करनी। पर सबसे पहले जो स्टेप होगा हमारे रिलेशन वगैरह ठीक करने का वो यही होगा कि हमें पूरा पैसा चाहिए, वो भी सूद समेत। बिल्कुल बिल्कुल, ये गन्स वगैरह हमें नहीं चाहिए, देखो तुम्हारे पास तुम्हें पता है हमारे पास गन फैक्ट्री वगैरह सब कुछ चीज़ें हैं, पर उसके बाद भी तुमने जो हरकत करी उसके लिए तुम्हें तो भाई कुछ तो करना पड़ेगा, और उसके लिए तुम्हें जो भी भाई अमाउंट हम डालेंगे वो पे करना पड़ेगा। ठीक है चलो, इस गुड एंड टर्म कंडीशन को अगर तुम मान रहे हो तो फिर हम कैलकुलेट करके भेज देंगे, और जो अगर तुमने पैसा भेज दिया तो उसके बाद हम सोचेंगे। हम ऐसा नहीं बोल रहे कि हम तुम्हारे साथ ट्रेड करना दोबारा स्टार्ट करेंगे, तुम्हें हम तो हम तुम हमें सिक्योरिटी दोगे तो हम तुम्हें फिर से गन्स वगैरह देंगे, ऐसी कोई भी चीज़ नहीं, क्योंकि तुमने एक बार हमारा ट्रस्ट तोड़ा है और तुमने हमारे से कंसर्न भी नहीं करा कि कितना पैसा अंडर वाटर माफिया यहाँ है वहाँ है, तुम्हें अंडर वाटर माफिया से मिलने से पहले हमें पूछना चाहिए था ताकि प्लानिंग वगैरह बना के हम अंडर वाटर माफिया को मार सकते थे वहीं पर। अब गलती हो गई है तो अब तो मुक्त तो जो भी अब देखते हैं। चलो ठीक है, फिर हमारे गुड टर्म एंड कंडीशन देखते हैं, बाकी जो तुम बात करो इससे मैं थोड़ी देर में आया। तो गाइस इधर की साइड देख सकते हो हमें गन्स वगैरह का लालच दे रहे हैं कि माइकल सर हम तुम्हें भाई एडवांस गन्स वगैरह देंगे जो कि हमें अंडर वाटर माफिया ने दिया है, और सिक्योरिटीज़ वगैरह के पास भी देख सकते हो कितनी जबरदस्त गन्स वगैरह, और बालाज के हुड पे यार ऐसे कोई भी चीज़ नहीं है। इन्होंने भाई दो चीज़ मांगी कि हम रिस्पेक्ट चाहते हैं कि आपकी सिक्योरिटी पूरी गन्स वगैरह के साथ यहाँ पे ना आए, तो हमने कहा ठीक है कोई भी दिक्कत नहीं, हमने सिक्योरिटी को बाहर की साइड भेज दिया और यहाँ पे फिर डीलिंग पानी हमने स्टार्ट कर दिया। पर कोई भी दिक्कत नहीं गाइस, यहाँ पे देख सकते हो बालाज गैंग के पूरे मेन लीडर्स आ रहे थे, उन्होंने भाई फिर माफ़ी वगैरह मांगी। फिर हमने भी थोड़ा सोचा कि यार गाइस ये भाई बहकाव में आ गए थे पैसा वगैरह देख के, इतना ज़्यादा पैसा देने के लिए इन्हें तैयार थे, और बाकी जो इनसे अब मैं सीक्रेटिव तरीके से इधर आके बात करूँ तो गाइस आप जो इनसे है रिलेशन अब ठीक करेंगे उन्हें फेक में बोले तो, जैसे कि आपको पता है कि पीटर पूरी फंडिंग देने वाला है अंडर वाटर माफिया को, तो फिर समझो आप खेल समझो, अंडर वाटर माफिया को पूरी फंडिंग मिल रही है पीटर की साइड से, इतना अगर ये मुंह खोल देते हैं तो
फिर हम कंफर्म हो जाएंगे। तो उसी के लिए इससे पैसा वगैरह हम लेने वाले और फिर हम देखने वाले कि पैसा वगैरह देंगे तो इनके साथ हम फिर से ट्रेड वगैरह स्टार्ट करेंगे, इनकी सिक्योरिटी वगैरह लेना स्टार्ट करेंगे। पर उसके बाजू में इनके साथ ऐसा सिस्टम सोडा पानी बिठाएंगे ना भाई, बिल्कुल ये हैंग हो जाएंगे कि भैंस की ये क्या खेल खेल गया माइकल, काफ़ी ज़बरदस्त वाला। तो ठीक है, फिर हम निकल रहे इधर से। ठीक है चल, ठीक है जो तू अपनी सिक्योरिटी के साथ आ जा बाहर, थोड़ी देर में मैं आता हूँ। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे अपनी गाड़ी वगैरह भी भाई पीछे साइड खड़ी कर दी मैंने, डिफेंडर को तो डिफेंडर छोड़ के मैं फॉर्च्यून लेके निकल रहा हूँ इधर की साइड से, क्योंकि गाइस ये ब्लैक जर्सी से भाई अलग अट्रैक्ट कर रहे हैं मेरे को और फॉर्च्यून चलाने का मन भी कर रहा था। इधर की साइड से भी निकलने का वक्त आ चुका है और बाकी अपनी सिक्योरिटीज़ वगैरह का मैं थोड़ी देर वेट करता हूँ। जैसे जोन वगैरह इधर की साइड पूरा सीन करके आता है फिर मैं जोन को पूरा अपना रिलेशनशिप के बारे में बताने वाला हूँ कि आप इनके साथ कैसा रिलेशन रखना है और कैसा नहीं रखना, उसके बाद ही पता चलेगा वीडियो को क्या बालाज गैंग हमारे कुछ काम की है या नहीं है। जोन को मैंने बोल दिया है कि अगर वो बात हमारे सामने आ जाती है, पीटर फंडिंग कर रहा है नहीं कर रहा अंडरवाटर माफिया को, उसके बाद हम देखते हैं बालाज गैंग का क्या करना है या क्या नहीं करना, क्योंकि इन्होंने गुस्ताखी तो करी है और गुस्ताखी माफ नहीं होती। तो थोड़ी देर में आपसे लोगों को मिलते हैं, एक बार पूरी डीलिंग वगैरह करके आ जाए जॉन, लेट्स गो। तो गाइस हम निकल चुके हैं बालाज के हुड की साइड से और सिक्योरिटी वगैरह को मैंने भेज दिया है, क्योंकि गाइस मेरे को आ चुका है काफ़ी इंपॉर्टेंट काम। अब इंपॉर्टेंट क्या है गाइस कि हमें जाना मलिबो मेंशन की साइड, फ्रैंकलिन लेके पहुंच चुका पूरी सिक्योरिटी को वहाँ पे। अब पूरी सिक्योरिटी का सीन ऐसे गाइस, जैसे कि आपको पता ही है कि हमारी सिक्योरिटी की आज भिड़त होने वाली है, बीबी गेमिंग की सिक्योरिटी वर्सेज पीटर भाई साहब की, जो दोनों नई नई सिक्योरिटीज़ आई है उनको आज हम भिड़ाने वाले हैं आपस में भाई, काफ़ी खतरनाक सीन होने वाला है। पर उससे पहले गाइस मैंने फिर अपने शोरूम को भी देखने की ठानी, तो गाइस अभी अपना शोरूम पूरा बंद है, रिनोवेट हमने करवा दिया था, पूरा सीन हमने करवा दिया था, पर काफ़ी टाइम से देख सकते हो अपना पूरा शोरूम इधर की साइड बंद पड़ा हुआ है, क्योंकि गाइस आपसे लोगों को पता है बालाज गैंग के साथ हमारा कितना गंदा सीन हो गया था भाई साहब, काफ़ी ज़बरदस्त वाला। पर अपना पूरा शोरूम देख सकते हो अभी तो बंद पड़ा है, एक भी गाड़ी आपको नज़र नहीं आ रही होगी इधर की साइड, क्योंकि भाई यहाँ पर हमें अटैक वगैरह मिलने की भाई धमकी मिली थी कि तुम्हारे शोरूम को उड़ाने वाले, ये करने वाले, वो करने वाले। तो उसके बाद हमने ये शोरूम बंद ही कर दिया था, पर काफ़ी टाइम से बंद है। अब इसको बालाज गैंग के साथ हमारे अगर अच्छे रिलेशन दोबारा हो जाते तो हम इस जो है मतलब कि इस वाले शोरूम को हम दोबारा ओन कर सकते हैं, काफ़ी प्यारा शोरूम और काफ़ी ज़बरदस्त अर्निंग भी यहाँ से होती थी, जो कि हमने रॉयल फैमिली के छोटे वारिस के भाई पार्टनरशिप ने हमें ये वाला शोरूम खोला था। बाकी कोई भी दिक्कत नहीं गाइस, इधर की साइड देखिए तो काफ़ी खतरनाक और ज़बरदस्त सीन है, पर अब देखना पड़ेगा कि हमें कैसे मेंटेन करने अपने रिलेशंस, क्योंकि एक बार जो धोखा दे सकती है बालाज गैंग वो दोबारा भी धोखा दे सकती है। तो वो सारी चीज़ देखते हुए फिर मैंने सोचा चलो आगे रिलेशनशिप में क्या होगा जो भी देखा जाएगा बाद में, पर अभी जो भी अगर गुड टर्म्स पर ख़त्म होती है चीज़ें तो फिर हम कर ही सकते हैं ऐसा। तो बाकी ठीक है, अपना शोरूम वगैरह मैंने देख लिया पूरा भाई, कोई भी डैमेज वगैरह नहीं है, पर भाई यहाँ पर अभी हमें खोलना भाई मतलब कि सही रहेगा नहीं रहेगा, क्योंकि किसी भी वक्त भाई बालाज गैंग फिर से पलटी तो हमें काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो जाएगा फिर। तो चलो कोई भी दिक्कत नहीं है, अभी तो सीधा मलिबो मेंशन की साइड में निकल चुका हूँ, वहाँ पे जाके भाई काफ़ी खतरनाक वाली आज भिड़त होने वाली है दो सिक्योरिटी के बीच में, जिसको आपको भी मज़ा आने वाला है, वीडियो को पूरा टॉर्चर पानी बिठाने वाले हम सिक्योरिटी के साथ। बाकी ब्लैक कलर की फॉर्च्यूनर लेके मैं इधर की साइड निकल रहा हूँ, जो कि अलग रोड प्रेजेंस दे रही है वीडियो को, देख सकते हो भाई क्या ज़बरदस्त लगती है। एक हाथी नहीं कहते, हाथी पाल रखा भाई साहब, क्या बात है क्या बात है, एक नंबर हाथी गाड़ी है भाई, लेजेंडर तो फॉर्च्यूनर लेजेंडर तो आप मानते ही हो ना भाई, वीडियो को एक नंबर सिस्टम बिठाने वाली गाड़ी है। बाकी कोई भी दिक्कत नहीं है, सीधा मलिबो मेंशन की साइड पहुँचते हैं और वहाँ पर मिलते हैं आपको अपनी खतरनाक डेंजरस सिक्योरिटी के साथ, लेट्स गो। जब दोनों सिक्योरिटी आमने सामने होगी पीटर और बीबी गेमिंग की, देखते हैं कौन जीतता है, बाकी आप कमेंट वगैरह करके बताओ आपके हिसाब से कौन सी जीतने वाली है। तो लेट्स गो, इस वीडियो का एक टारगेट रखते हैं हम 500 लाइक्स का, तो फटाफट मेरे प्यारे भाइयों कंप्लीट करवा दो, फिर आपसे लोगों से मिलते हैं सीधा मलिबो मेंशन की साइड, लेट्स गो। ओ ये तो गाइज यहाँ पे देख सकते हो मलिबो मेंशन की साइड तो पहुंच चुके हैं, नीचे की साइड दोनों सिक्योरिटीज आ चुकी है, पीटर की भी और बीबी गेमिंग की भी, तो काफ़ी खतरनाक सीन होने वाला है वीडियो लोगों, क्योंकि दोनों सिक्योरिटीज हम लेके आ चुके हैं काफ़ी ज़बरदस्त वाली, बोले तो काफ़ी खतरनाक वाला सीन होने वाला। नीचे की साइड अभी मैं आपसे लोगों को जाके दिखाने वाला हूँ, अपनी दोनों सिक्योरिटीज आ चुकी है, काफ़ी ज़बरदस्त है, काफ़ी भयंकर है, बोले तो सिस्टम सेट करने वाली चीज़ हो चुकी है। बाकी अपने एयर डिफेंस वगैरह इधर की साइड खड़े रहते हैं, जिसके आपको पता है सिक्योरिटी कंसर्न को लेके हमारा काफ़ी ज़्यादा मतलब कि सही सिस्टम रहता है। बाकी यहाँ पे देख सकते हो दोनों सिक्योरिटीज़ में आपसे लोगों को दिखाऊँ तो काफ़ी ज़बरदस्त लग रही है भाई साहब, एक तरफ बीस कमांडो, दूसरी तरफ पीटर भाई साहब की सिक्योरिटी। तो पीटर की सिक्योरिटी देख सकते हो क्या ज़बरदस्त लग रही है, और इनकी गन्स वगैरह, इनके जो आउटफिट है ब्लैक के ऊपर वाइट सूट भी कर रहा है, क्या बात है क्या बात है, काफ़ी ज़बरदस्त लग रही है दोनों सिक्योरिटीज़। और इधर की साइड देखे
तो बीबी गेमिंग के बीस्ट कमांडोज भी देख सकते हो कितने जबरदस्त लग रहे हैं। बोले तो भाई काफी खतरनाक भयंकर सीन हो चुका है। देखो ऊपर की साइड देखिए सिक्योरिटीज वगैरह चढ़ी हुई है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी इनके पास है भाई साहब हाईटेक वेपन्स लेके आई हुई है भाई बीबी गेमिंग की सिक्योरिटी। क्या बात है, काफ़ी खतरनाक सीन हो रखा है। बाकी दूसरी साइड आप सब लोग देखोगे तो यहाँ पे देख सकते हो पीटर की सिक्योरिटी के बीच में होने वाला है काफ़ी खतरनाक वाला महायुद्ध। बस थोड़ा सा वेट हो रहा है रॉयल फैमिली के छोटे वारी जैसे आ जाए, फिर दोनों का हम कराने वाले काफ़ी भयंकर वाला सीन। बोले तो मतलब काफ़ी ज़बरदस्त वाली फाइट होने वाली है दोनों सिक्योरिटीज़ के बीच में। बाकी इधर की साइड देख सकते हो प्लेन्स वगैरह भी खड़े हुए हैं, तो हमने यार इनको साइड करवाना पड़ेगा। बाकी प्लेन्स वगैरह दिखाऊँ तो कितना खतरनाक ज़बरदस्त वाला देख सकते हो भाई, ये वाली लोडेड करके हमने रखी हुई है सारी चीज़ें, मतलब काफ़ी ज़बरदस्त वाला प्लेन तो ये है ही। और जब चलता है तो भाई साहब फिर अलग रौनक अलग रुतबे के साथ ये अटैक करता है। जैसा कि आपने इसका देखा होगा इस्तेमाल जब हमने किया था तो भाई काफी जबरदस्त वाला, जब हमने भाई पीटर से लेके भाई पैंथर को लेके सबको मार गिराने का इसके अंदर क्षमता, और जब ने एयरक्राफ्ट कार्गो के ऊपर जब हमने लैंड किया था तो सबकी देख के भाई साहब हो गए थे भुजक के। क्या बात है। बाकी इधर की साइड देखोगे तो दोनों सिक्योरिटी काफ़ी ज़्यादा मस्त लग रही है। इधर की साइड देख सकते हो कितने ज़बरदस्त वाले बीस्ट कमांडोज की जो सबसे स्पेशलिटी वाली बात लगती है इनकी आइज़ देखो कितनी ज़बरदस्त है। और बाकी नीचे साइड आउटफिट वगैरह भी देख सकते हो काफ़ी मस्त है। और भाई सिक्योरिटी तो आप सब लोग को पता ही है काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पे खड़ी हुई है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी यहाँ पे अपने एयर डिफेंस वगैरह दिखाऊँ तो एयर डिफेंस देख सकते हो काफ़ी ज़बरदस्त और लिवरी के साथ अपने मॉडिफाइड करवा रखे हैं पूरे ज़बरदस्त तरीके से। जब भी चलते तो भाई अलग रुत बहुत और अलग रौनक होती है इनकी भी भाई, काफ़ी खतरनाक सीन है। बाकी अब अलॉयज वगैरह दिखाऊँ तो अलॉयज देख सकते हो कितने खतरनाक लग रहे हैं, डायमंड अलॉयज दवाई वाले देख सकते हो कितने ज़बरदस्त। और इनको भी शायद हम इसकी भी ट्रेनिंग वगैरह अभी करवा के देख सकते हैं, काफ़ी मस्त होगी। बाकी यहाँ पे देख सकते हो भाई आगे एक साइड से कुछ ऐसा लुक है और अपना भाई साहब सही है। इधर की साइड कैमरा वगैरह भी लगवा रखा गाइस हमने, तो पूरा रिकॉर्ड भी करते हैं और बाद में भी हम भाई स्लो मोशन में कैसे भी करके देख सकते हैं कि कैसी लग रही है दोनों सिक्योरिटीज़। बाकी तो अभी देख सकते हो भाई काफ़ी ज़बरदस्त लग रही है दोनों सिक्योरिटीज़, काफ़ी खतरनाक है और दोनों का फ्रेम देखे तो कुछ ऐसा नज़र आता है। तो थोड़ी देर में जैसे रॉयल फैमिली की छोटे वारिस आते हैं तो फिर हम स्टार्ट करवाते हैं दोनों की फाइट। दोनों सिक्योरिटी मिटने वाली है पीटर वर्सेस बीबी गेमिंग की सिक्योरिटी, काफ़ी ज़्यादा तो मज़ा आप सब लोगों को आने वाला है जब दोनों सिक्योरिटी अपना जलवा दिखाएगी। क्या लगता है गाइस कौन सी सिक्योरिटी जीतेगी, तो फटाफट कमेंट वगैरह करके बताओ कि इसकी सिक्योरिटी जीतने वाली है और इसकी हारने वाली। तो लेट्स गो, थोड़ी देर में आप सब लोगों से मिलते हैं। ओ ये गाइस यहां पे देख सकते हो रॉयल फैमिली के छोटे वारिस इधर की साइड आ चुके हैं और दोनों सिक्योरिटी की फाइट होने वाली काफी खतरनाक वाली, बोले तो धमाकेदार वाली। तो दोनों टीम्स अपनी अपनी तरफ निकल लो उधर की साइड जहां पे तुम्हारी फाइट होगी। तो गाइस ये वाले प्लेन्स वगैरह हटवा देता हूं मैं रॉयल फैमिली के छोटे वारिस। ठीक है हाँ पूरी सिक्योरिटी को लड़ाएंगे इस बार। तो गाइस पूरी सिक्योरिटी लड़ेगी आपस में, काफ़ी खतरनाक वाला। जी क्या बोल रहे हो? अच्छा कैमरा भी लगवा दूँ? अच्छा इन पर डैश कैम भी तो लगवाना पड़ेगा इनके सर की तरफ से ताकि हमें पूरा पीओवी दिख सके। चलो कोई दिक्कत नहीं अभी कैमरे के लिए मैं बोलता हूँ तो कोई दिक्कत नहीं गाइस। इनके जो सर पे हमें कैमरा वगैरह भी लगाना पड़ेगा, काफ़ी खतरनाक सीन होने वाला है ज़बरदस्त वाला, क्योंकि इस पत्थरों के पीछे पूरा कवर वगैरह लेके लड़ने वाले हैं काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से, काफ़ी खतरनाक तरीके से। आपसे लोग को भी मज़ा आने वाला है क्योंकि यहाँ पे होने वाली है ज़बरदस्त मतलब कि फाइट बीबी गेमिंग की सिक्योरिटी वर्सेस पीटर की सिक्योरिटी के बीच में। क्या बात है। चलो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ी देर में प्लेन्स वगैरह हटवाते हैं और फिर आपसे लोगों से मिलते हैं। लेट्स गो। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो काफी जबरदस्त फाइट हो चुकी है, देख सकते हो क्या बात है, काफी खतरनाक फाइट हो रही है और पूरी सिक्योरिटी यहाँ पे हमारी ढील हो चुकी है। अरे भैंस की आंख, कहाँ से छुप के मारे जा रहे हैं भाई, थोड़ा कवर लेके मारना पड़ेगा भाई। यहाँ पे देख सकते हो बीबी गेमिंग की सिक्योरिटी यहाँ पे पीछे कवर में रह के मार रही है, स्मार्ट मूव हमने लिया देख सकते हो। क्या बात है, तुम्हारी सासू की जगह। यहाँ पे देख सकते हो भाई काफी खतरनाक फाइट चल रही है, भैंस के आप छुपना पड़ेगा, थोड़ा छुप के मारना पड़ेगा। यहाँ पे देख सकते हो भाई पूरा भर दिया इनके तो भैंस के, उनके भी देखो बंदे छुप के मार रहे भाई, थोड़ा सा देखना पड़ेगा भाई। अरे भैंस के आप मारो भाई। पीछे की साइड से देख सकते हो काफी जबरदस्त फाइट हो रही है और सामने की साइड भी उन्होंने भी कवर ले लिया देख सकते हो। यहाँ पे गाइस कवर लेके मार रही है भाई सिक्योरिटी, भैंस की आंख भाई। इधर की साइड एक बंदा बचा अभी भी, रुको भाई इसको तो मैं बनाता हूँ चिंपैंजी तेरी सासू की जाए, भैंस की आंख गाइस। यहाँ पे देखते हो बीबी गेमिंग की सिक्योरिटी कितनी मारी गई है, अभी हम तीन चार बंदे बचे, उधर की साइड से भी बंदा आ रहा है, भैंस की आंख तेरी सासू की जाए। रुको गाइस हमें थोड़ा रुकना पड़ेगा। और यहाँ पे नीचे की साइड से भाई पूरी फाइट होती हुई, भैंस की आंख किधर है भाई, पूरा हमने कवर ले लिया है
और उधर की साइड कोई बंदा दिख रहा है मेरे हिसाब से। भाई यहाँ पे देखो कितनी खतरनाक फाइट हुई है अभी दोनों सिक्योरिटीज के बीच में, देख सकते हो। ओ भाई बीबी गेमिंग की सिक्योरिटी भी मारी गई है यहाँ पे, देख सकते हो कितनी सारी। और भाई यहाँ पे देख सकते हो पीटर की सिक्योरिटी भी मारी गई है, ऊपर से हम एंगल से देख रहे हैं। और इधर की साइड से देख सकते हो पीटर की ज़्यादा सिक्योरिटी मारी गई है, देख सकते हो भाई यहाँ पे पूरा ऊपर कैमरे से आपको नजर आ रहा होगा सारी चीज़ें आपको दिखा रहे हैं। हेलमेट के ऊपर हमने कैमरा लगा रखा और ये बंदा भाई पूरा पीओवी देता हुआ, बढ़िया बढ़िया। तो गाइज यहाँ पे फाइनली देखा जाए तो दोनों सिक्योरिटी काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त है, पर जो फाइनली जीतती है वो जीती है बीबी गेमिंग की सिक्योरिटी, क्योंकि बंदे देखो यहाँ पे पीटर की सिक्योरिटी के भी मारे गए और यहाँ पे बीबी गेमिंग की सिक्योरिटी के भी मारे गए बंदे। देखो तो भाई साहब यहाँ पे देख सकते हो भाई, यहाँ पे देखो भाई बीबी गेमिंग की सिक्योरिटी के भाई कितने सारे बंदे मारे गए इधर की साइड, और पीटर की सिक्योरिटी के भी उधर की साइड मारे गए। तो भाई साहब बताना आप सब लोगों को पड़ेगा कि भाई साहब ये किसके बंदे कितने मरे हैं और कितना भाई साहब कौन जीता और कौन सी सिक्योरिटी आपको ज़्यादा पावरफुल लगी। बाकी गाइस फिर आज की वीडियो इतने रखते हैं, होप करते हैं आपको मजा आए, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके बताना आज कौन सी सिक्योरिटी ज़्यादा पावरफुल थी और कौन सी सिक्योरिटी जीती इस फाइट में, कमेंट करके जरूर आप सब लोगों को बताना पड़ेगा। तो नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं, जब तक ले चंगा फिर अगली घड़ी, और थोड़ी देर में आए आप सब लोग के प्यारे प्यारे कमेंट वगैरह हम पढ़ने वाले हैं, तो फटाफट कमेंट वगैरह करके बता दो भाई साहब कौन सी प्यारी प्यारी चीज़ें हमें और करनी चाहिए, बाकी इस फाइट में कौन जीता है वो भी बता दो, और 500 लाइक्स का एम है वो भी आप फटाफट कंप्लीट करा दो। ओ ये लेट्स गो, नेक्स्ट वीडियो में आप सब लोग को मिलते हैं। सो गाइस #77 के प्यारे कमेंट सेक्शन में आप सब लोग का स्वागत है। आज पढ़ने वाले हम काफ़ी खतरनाक और ज़बरदस्त कमेंट्स। तो राघव भाई ने लिखा है हल्क बस्टर सूट ले लो आप। ओके ब्रो हल्क बस्टर चलो ले लेंगे, अभी ब्लास्ट कर देंगे फिर कति सिस्टम 2.13 बेस्ट पार्ट बिटवीन लव फ्रॉम मंगोलिया ब्रो। ओके लॉल ब्रो चलो ठीक है ठीक है, ओपी कर दिया आपने भी सिस्टम है। कार्तिक सिंह धनाई ससुरे चलो कोई दिक्कत नहीं है। वॉकी बीबी गेमिंग का खेलते हो वो तो अपनी वीडियो में कुछ नहीं दिखाते आप तो कोई फेस, ठीक है तो आप एक दफ़ा अपनी वीडियो में बीबी गेमिंग का फेस दिखाओ। ओके ब्रो वेरी सुन दिखाते, चलो यही बात रही तो दिखाते, बीबी भाई को भी दिखाएंगे। भाई आप बीबी गेमिंग के साथ खेलते हो वह तो अपनी वीडियो में नहीं दिखाते, ठीक है भाई नाइस। टेक्नो विहान भाई सिक्योरिटी लो, ओके भाई लेंगे जी वेरी सुन, काफ़ी जल्दी हम खरीदेंगे। क्या सी बात कर दी भाई, काफ़ी जल्दी लेते बात करते, बात ख़त्म कर दो पीटर भाई को, पीटर को ओके भाई बात ख़त्म कर दो भाई पीटर को, ओके भाई ठीक है पीटर को टोचन बिठाते फिर करते सिस्टम हैंग उसका भी। माइकल को प्रेसिडेंट बनाओ प्लीज़, ओके ब्रो अभी तो कायो पेरिको का प्रेसिडेंट है माइकल, पर काफ़ी जल्दी हम लो सेंटोस का भी देखते हैं फिर। 34 फोन से सब्सक्राइब कर रहा हूँ, लव यू मेरे भाई, क्या बात है 34 फोन से आपने सब्सक्राइब कर रखा है, सैल्यूट भाई सैल्यूट, क्या बात है। क्यू वाइटो ओके कभी भी नहीं देखा तुझे बीबी गेमिंग के साथ वीडियो में, ओके ब्रो कभी नहीं देखा तो देखना चाहते हो आप तो बोलो यार, करवा देंगे सिस्टम सेट सोडा पानी। बालास गैंग नहीं बिलेटेड गैंग है, कुछ भी भाई बालास गैंग है वो, कुछ भी बोल रहे हो भाई। बीबी गेमिंग पावरफुल सूट लाओ, ओके ब्रो भाई पावरफुल सूट भी ले लेंगे, कैसी बात कर दी आप सब लोगों ने। भाई बिग फैन टेक लव टू बांग्लादेश, ओ भाई क्या बात है थैंक यू ब्रो, बांग्लादेश से वीडियो देख रहे हैं क्या बात है भाई, मौज बांध दिया आप सब लोगों ने। भाई आपकी वीडियो बहुत भाई आपकी वॉइस बहुत अच्छी है, थैंक यू मेरे भाई थैंक यू, क्या बात है क्या बात है। और यहाँ कार्तिकी सिंह धनाई ने लिखा है भाई हेलो डियर, हेलो भाई वो बैटमैन सिक्योरिटी अपग्रेड कर नहीं तो पानिया, क्या लिखा है भाई ये तो बैटमैन सिक्योरिटी अपग्रेड करनी है, ओके भाई काफ़ी जल्दी हम अपग्रेड कर देंगे ठीक है। बीबी गेमिंग का वाइट कमांडा क्या करो तू है उसका भाई, करेंगे सिक्योरिटी को बिठाएंगे ठीक है काफ़ी जल्दी भाई सिस्टम बिठाएंगे वाइट सिक्योरिटी का भी। भाई बिग फैन थैंक यू सो मच मेरे भाई थैंक यू ब्रो, क्या बात है क्या बात है, बोला था ना बीबी गेमिंग से पंगा नहीं, बिल्कुल भाई बिल्कुल हम तो डर गए भाई, मैं तो डर गई ओके चलो कोई दिक्कत नहीं है। आपकी जान खतरे में है जल्दी से एसपी सिक्योरिटी लगवा दो, नहीं बोलेगा बोलेगा तो पूरा ख़त्म कर देगा, ऐसे सिक्योरिटी बात मानी है, ओके ब्रो ठीक है भाई करते हैं तुम्हारे पीछे। अभिषेक भाई आप जितना जल्दी हो सके पूरी सिक्योरिटी हटवा दो और एसपी सिक्योरिटी लगवा दो, आपकी जान को खतरा है, मोहित गेमिंग के एसपी सिक्योरिटी का पुराना ख़त्म कर देगा बात मानो, ओके ब्रो भाई इतना सीरियस क्यों हो रहे हो, इट्स अ गेम ब्रो। मोहित गेमिंग की जान खतरे में है, आप
बताइए। ओके ब्रो भाई, काफ़ी जल्दी हेल्प करते हैं, मोहित भाई की जरूरत करते हैं। मोहित भाई का पैसे की ज़रूरत है, आप दे दीजिए। ओके ब्रो भाई, दे देंगे मोहित भाई को भी, कोई दिक्कत नहीं है। आयरन मैन सूट ले लो। ओके ब्रो, आयरन मैन सूट लेना है। ओके ब्रो, काफ़ी जल्दी लेते हैं, थोड़ा सा वेट करो, अभी हमारे सीरीज़ वहाँ तक नहीं पहुँची है, जैसे पहुँचेगी तो ले लेंगे भाई। स्पैम कर दिया भाई ने, आयरन मैन सूट ले लो। यहाँ पे देखो भाई, दूसरे भाई ने भी लिख रखा है, तो ठीक है भाई, आयरन मैन सूट हम काफ़ी जल्दी ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप आराम से भाई, ऐसे स्पैम मत करो गाइस, एक दो कमेंट ठीक है, पर ऐसे स्पैम करोगे तो दूसरे बंदों का कैसे नंबर आएगा। चलो, सबको दिल दे दिया मैंने भाई, मेरा कमेंट नहीं पढ़ते हो। सवारी है कि आपकी वीडियो में कमेंट क्यों नहीं पढ़ते। पढ़ लिया है भाई, आपका कमेंट भी, दिक्कत मत हो। वोट फॉर बीबी गेमिंग न्यू पावरफुल सूट। ओके ब्रो भाई, लेके आते काफ़ी जल्दी। माइकल को केरी मिनाटी बीबी गेमिंग के वर्ल्ड में। ओके, पीटर का एक बेटा भी है जो बहुत ज़्यादा खतरनाक है, तुमको पता है क्या? पीटर का एक बेटा, हाँ भाई हमको पता है, हाँ भाई पीटर का एक बेटा, उसको भी पकड़ लेंगे काफ़ी जल्दी। भाई आपने भी स्पैम कर रखा भाई, कितना गंदा स्पैम कर रखा है भाई। आपकी वीडियो बहुत अच्छी लगती है मुझे, मैं भी GTA 5 खेलना चाहता हूँ। बीबी गेमिंग की सिक्योरिटी लो ब्लू वाली भाई, बीबी गेमिंग के साथ दोस्ती कर लो। ओके ब्रो भाई, कर ली भाई दोस्ती आप सबों ने कहा तो हमने दोस्ती भी कर ली है। सिक्योरिटी दिखाकर रास्ते में बहुत टाइम पास करते हो, वीडियो बनाते हुए दम है तो भाई वीडियो में पढ़ता है ना, वह दम है तो वीडियो में पढ़कर दिखाए। पढ़ लिया है, कल देख लेना, जब आप देख रहे होंगे तो वीडियो आ जाएगी आपसे। बैटमैन सिक्योरिटी अपने साथ रखो, फुली ट्रेंड बंदे। ओके है, फुली ट्रेंड बंदे है, चलो कोई दिक्कत नहीं। नीरज कुमार गुप्ता जी, क्या हाल है मेरे भाई? मेरा एग्ज़ाम है 11 से भाई, 11 नवंबर से तो मेरे भी एग्ज़ाम है भाई। सेम बट डिप्लाय, मैं जा रहा हूँ एग्ज़ाम देने के लिए, आप गेम खेलते रहिए, आएंगे तो देखेंगे आपकी वीडियो। ओके ब्रो भाई, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। टेरजो गेमर का रेड सिक्योरिटी लो। ओके ब्रो भाई, टेरजो भाई की भी रेड सिक्योरिटी लेनी है, ले लेंगे भाई, कैसी दिक्कत है। नीरज भाई, सिस्टम हैंग कर देगा, ऐसी बात है क्या भाई? आप भी आयरन मैन सूट लीजिए क्योंकि बहुत पावरफुल है। ओके भाई, आयरन मैन सूट की यार काफ़ी चर्चाएं चल रही है, तो अब सिस्टम बिठाना पड़ेगा। चलो देखते हैं, आप जहाँ भी जाओ SP सिक्योरिटी लेके जाओ। आपके वीडियो 5G से डाउनलोड कर के 4K में फ्रेश दिखता है। ओ ये क्या बात है भाई, 4K में तो क्या दिखती होगी, HD पूरी फुल बूम बम, क्या बात है। नीरज भाई काफ़ी कमेंट कर दिए, चलो भाई आपके लिए सूट बनवाओ। ओके ब्रो भाई, बनवाते काफ़ी जल्दी, बनवाते सूट भी। नेक्स्ट एपिसोड जल्दी दो और रेड सिक्योरिटी लो। ओके भाई, लेते हैं भाई, सब सिस्टम हैंग करते हैं आप जैसा कह रहे हो भाई। सुपरा मॉडिफाइड वाली भाई, बिल्कुल भाई, लेके आएंगे भाई काफ़ी जल्दी, आपको सुपरा हमारी दिखने वाली है, क्योंकि भाई वो वहीं पे पड़ी हुई तब से। आयरन मैन सूट, ठीक है। आपके पास कितने फ़ोन हैं और आप कौन सा फ़ोन चलाते हो? भाई आईफोन 15 है मेरे पास, तो 15, ठीक है, एक ही फ़ोन रखता है यार, दो कौन रखेगा मैं, जो एक तो संभाला नहीं जाता, समझ रहे हो। ओपी, लव यू मेरे भाई, लव यू ब्रो। चलो ठीक है, सिस्टम सेट हो चुका है यहाँ पे, तो भाई यहाँ पे लिखा ओपी लव यू टू मेरे भाई, भाई को दिल दे दिया हमने, ठीक है भाई मेरे। ओके, हाउ टू गेट दिस टाइप ऑफ सिक्योरिटी लव फ्रॉम यू? जयपर आईफोन 16 प्रो मैक्स और सैमसंग 16 भाई, 16 आईफोन इज आईफोन भाई, आईफोन तो आईफोन है भाई। गोका आर्मी लाओ भाई। ओके ब्रो भाई, गोका आर्मी भी लेके आते, कैसी बात कर दी। चलो ठीक है, अभी सिस्टम मिटा दिया। बाकी भाई काफ़ी सारे कमेंट आपने करके, आई लव यू अभिषेक भाई, थैंक यू सो मच मेरे भाई, इतने कमेंट मत करो यार नीरज भाई, एक दो ठीक है, सारे कमेंट आपने स्पैम कर रखे। तो भाई पीटर आपको धोखा दे रहा है। ओके ब्रो भाई, पीटर को हम धोखा दे रहे हैं अब, चलो ठीक है। तो थैंक यू सो मच मेरे प्यारे प्यारे भाई, इतने प्यारे प्यारे कमेंट वगैरह करने के लिए, लव यू ऑल। काफ़ी जल्दी मिलते हैं अब #79 में, काफ़ी ज़बरदस्त भाई, जबरदस्त से जबरदस्त वीडियो के साथ। जब तक के लिए लव यू, फटाफट भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट करके बताओ आज की वीडियो कैसी लगी आपको। जब तक चंगा फिर अगली वीडियो, बाय बाय।